सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक असिस्टेंट कमिश्नर सिविल सेवा आईएएस और स्टेट पीसीएस की आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और नए विषय में लेकर चलूँगा जिसमें कि अक्सर करके आपके क्वेश्चन होते हैं और वो है सर नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स बनाएं भी या नहीं, या मार्केट में बहुत सारे नोट्स हैं क्या उन्हीं से काम चला सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है भी आपके दिमाग में कई बार आता है और कई बार आप लोग पूछते हैं। तो दोस्तों इस विषय में मैं आपसे कुछ बातें अपने अनुभव की और लोगों से जो सुनी और देखी हैं वो शेयर करना चाहूँगा। देखिए स्टूडेंट्स की नोट्स बनाना वो डिपेंड करता है आपकी परिस्थितियों पर। परिस्थितियों मतलब कि आपके पास समय कितना है, क्योंकि देखिए नोट्स जो हैं वो समय बहुत मांगते हैं, टाइम लगता है नोट्स बनाने में और बढ़िया नोट्स बनाने में। यदि क्योंकि देखिए ये छोटा मोटा एग्ज़ाम कोई है नहीं, है ना। ऑब्वियसली बात है कि आपसे क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है ना। तो जब ऐसी बात है तो आपके नोट्स भी कहीं ना कहीं वो क्वालिटेटिव टाइप के होने चाहिए, उनमें क्वालिटी होनी चाहिए। अब क्वालिटी नोट्स यदि आप बनाएंगे तो ऑब्वियसली बात है इट विल टेक सम टाइम, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो नोट्स बनाना हमेशा जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास एक्चुअली टाइम कितना है तैयारी करने का, क्योंकि कई लोग बहुत लेट तैयारी शुरू करते हैं, उनके पास समय कम बचता है। यदि आप ग्रेजुएशन में हैं या 11th क्लास से ही आपने तैयारी शुरू कर दी है, ठीक है, तो तब तो आपके लिए नोट्स बहुत ही बेनिफिशियल हैं, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है। और नोट्स जब आप बनाते हैं तो ऑब्वियसली बात है किसी भी चीज़ को आप बहुत गहराई से पढ़ते हैं। नॉर्मली आप जब नोट्स नहीं बनाते हैं तो उतनी गहराई से हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन नोट्स बनाते समय क्योंकि आप लिख रहे हैं ना और सार सार को कही रहे हैं, तोता दही उड़ा है, सार सार को लिख रहे हैं और फालतू की जो चीज़ें हैं वो आप नोट्स में तो लिखते नहीं हैं। तो नोट्स बनाना एक बहुत ही बेनिफिशियल स्टेप है यदि आपके पास समय ज़्यादा है तो। लेकिन यदि आपके पास समय ही कम है तो क्या करें। तो अब डिपेंड करता है कि आप नोट्स किस सब्जेक्ट में महसूस कर रहे हैं। देखिए जो सब्जेक्ट में आपकी पकड़ कम है उसमें नोट्स बनाइए फिर। अच्छा, ऑप्शनल की जहाँ तक बात है, ये मेरा स्वयं का अनुभव है कि ऑप्शनल में यदि आपके पास कोई मार्केट में ऑलरेडी किसी बहुत अच्छे टीचर के या प्रोफेसर के या इग्नू के नोट्स अवेलेबल हैं तो आप पहले उन्हें पढ़ें, अच्छे से आत्मसात करें। यदि आपको लगता है कि वो अप्रोप्रिएट हैं, आपकी नीड को फुलफिल कर रहे हैं, तो ठीक है, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब आप केवल एक ही नोट्स पढ़ते हैं या एक ही किताब पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपके पास आपके विचारों का जो क्राइटेरिया है वो सीमित होता है। ओके, क्योंकि हर राइटर की एक पहचान होती है, एक मतलब वो किस क्या लिखेगा, उसकी उसकी भाषा जो भाषा शैली लेखन शैली सब एकदम अलग होती है। तो इसलिए हमेशा दो या तीन बुक्स या दो या तीन नोट्स पढ़ना फ़ायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि आपकी सोच खुलती है। क्योंकि देखिए जो भी प्रोफेसर या राइटर बुक लिख रहा है या नोट्स वो हैं तो कुछ ना कुछ क्वालिटी उसके पास है, ठीक है, कुछ ना कुछ उसके पास यूनिकनेस है। तो जब आप दो या तीन नोट्स पढ़ते हैं तो हर एक राइटर की जो यूनिकनेस है लिखने के अंदाज जो है वो आप सीखते हो। इसलिए दो या तीन नोट्स में से या बुक्स में से आप जब आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे होंगे, चूँकि आप खुद बना रहे हैं और अपना लिखा जो है किसी भी व्यक्ति को बहुत जल्दी याद होता है। तो यदि आप आवश्यकता वाकई महसूस करते हैं कि भाई नोट्स बनाना आपके लिए ज़रूरी है, अच्छा रहेगा, तो ज़रूर बना लें।
देखिए यहाँ पर कंपलशन नहीं है कि नहीं बनाने ही बनाने, क्योंकि मैंने देखा कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो मार्केट में नोट्स हैं उन्हीं को बहुत अच्छे से पढ़कर लिखाते हैं और सिलेक्शन ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक वो सब्जेक्ट की पकड़ नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपको ऐसा लगता है तो ज़रूर बना लीजिए। लेकिन दोस्तों मैं फिर यहाँ पर आपको कुछ बातें बताऊँगा कि नोट्स बनाने में समय बहुत ज़्यादा मत लगाइए। कई बार क्या है कि आप लोग जब नोट्स बनाना शुरू करते हैं दोस्तों, इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा कि जब नोट्स बनाना शुरू करते हैं तो बहुत ही मतलब कलरफुल नोट्स बनाते हैं, बहुत ही एकदम हम कहते हैं ना बिल्कुल रच के एकदम, कि कोई देखे तो कहे कि हाँ भाई कितने अच्छे नोट्स हैं। अरे भाई आप दुनिया को दिखाने के लिए नोट्स बना रहे हैं या सिलेक्शन के लिए नोट्स बना रहे हैं? तो आप अपनी सुविधा ठीक है और आपके टेस्ट के हिसाब से नोट्स बनाइए। कुछ लोग क्या करते हैं फॉर्मूले भी बना लेते हैं, तो जैसे आपको याद हो जैसे आपके दिमाग में उतर जाए वो सब्जेक्ट उस हिसाब से नोट्स बनाइए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। कलरफुल और ये सब बिल्कुल एकदम ड्राइंग पेंटिंग करके बहुत खूबसूरत नोट्स बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ओके एक और छोटी सी सलाह है अपने अनुभव से, वो ये कि जब आप नोट्स बनाएं तो एक और छोटे से नोट्स जरूर बनाएं, बहुत ही कम पेजेस में। वो कैसे होंगे? वो ऐसे होंगे कि जैसे आपने जब नोट्स बनाए ठीक है, नोट्स बनाने के बाद आपने उनको पढ़ा अच्छे से याद किया, तो उन्हीं में से कुछ और शॉर्ट नोट्स बनाइए। वो डायग्रामेटिक हो सकते हैं, डायग्राम फॉर्म में बनाइए ठीक है, और कोशिश करिए कि उन डायग्राम के माध्यम से जो है वो आप पूरा का पूरा जो है उस चैप्टर को उतार लें। जैसे कोई थिंकर है, जैसे मान लो कार्ल मार्क्स आप पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करिए कि डायग्राम के माध्यम से कार्ल मार्क्स क्या कहना चाहते हैं वो पूरा आप एक या डेढ़ पेज में आप जो वेरी शॉर्ट नोट्स हैं उन्हें तैयार कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे। दोस्तों देखिए जब आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है तो कंपलसरी सब्जेक्ट के बाद और ऑप्शनल के बीच में कभी कभी बिल्कुल गैप नहीं होता या बहुत कम गैप होता है, और यदि आपने उस गैप के दौरान ओके कंपलसरी जब ख़त्म हुए आपके उसके बाद जब ऑप्शन शुरू हुए उस दौरान यदि आपने वो सारा का सारा सिलेबस एक बार रिवाइज नहीं किया तो आपकी पूरे साल की मेहनत बेकार हो सकती है। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले का जो समय होता है यदि उस समय आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक को छोड़ दिया, चैप्टर को छोड़ दिया, तो आपको एक अनजान सा भय रहेगा कि यार वो तो मैं पढ़ नहीं पाया, कहीं ऐसा ना उसमें से सवाल आ जाए, तो आप कहीं ना कहीं अंदर से डरे हुए होते हैं, है ना। तो एक बार पूरा सिलेबस आपके नज़र से गुजर जाना चाहिए एग्ज़ाम से ठीक पहले, तो वो तभी संभव है जब आपने वो बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। उससे क्या होगा कि चूंकि वो बहुत शॉर्ट्स हैं ठीक है, छोटे हैं तो समय भी कम लगेगा ठीक है, और चूंकि डायग्रामेटिक हैं तो आसानी से आपके दिमाग में भी वो बस जाएंगे। तो एक बार जब आप उसे पढ़ जाएंगे तो आपको सब पुराना चीज़ जो है जो आपने पढ़ा है याद किया है उस सब आपको रिकॉल हो जाएगा। तो दोस्तों ये काम आप जरूर करेंगे। यदि आप बड़े नोट्स नहीं बना रहे हैं तो भी आप वेरी शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए ठीक है, वेरी शॉर्ट नोट्स, खासतौर से ऑप्शनल के या ऐसे टॉपिक्स के जो बहुत लेंदी हैं, समय ज़्यादा लेते हैं, या आपको लगता है कि भाई इसमें मेरी ज़रूरत है, मुझे बनाने ही चाहिए, तो फिर बना लीजिए। लेकिन नोट्स बनाने में बहुत समय वेस्ट मत करिए, क्योंकि समय कम है और आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारा है ठीक है। यदि कोई अच्छे नोट्स अवेलेबल हैं तो उन्हीं को बार बार पढ़िए, अंडरलाइन कर करके पढ़िए, और उनमें कुछ नए केसेस, कुछ नए एग्जाम्पल जरूर जोड़ लीजिए, ताकि एग्ज़ाम के समय आपको बहुत ज़्यादा, चूंकि इतना समय होता नहीं है और दिमाग पर बहुत सारा प्रेशर रहता है, तो एग्ज़ाम्पल हुआ उस समय जो है बहुत सारे याद नहीं आते, तो आप जब नोट्स पढ़ रहे हैं उसी समय करंट के जो एग्ज़ाम्पल हैं, करंट का कोई ऐसा टॉपिक है वो आप वहीं उसका समावेश कर दें, तो फिर एग्ज़ाम में भी आपको याद आ जाएगा कि यार वो एग्ज़ाम्पल जो था वो बहुत अच्छा था, वो मुझे यहाँ कॉपी में लिखना चाहिए। तो
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आएगा और आपको समझ में भी आया होगा कि नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, क्या नहीं करना है। इन सारी बातों के जवाब आपको मिल गए होंगे। इसके बावजूद भी यदि आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर सवाल का जवाब इन वीडियोस के माध्यम से दे पाऊँ। और अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हम टारगेट सेट करें और कैसे उसे अचीव करें। इस आशा और शुभकामना के साथ कि आप अपने सिविल सेवक बनने के सपने को बहुत जल्द पूरा करेंगे और अपने परिवार, अपने समाज सबका नाम रोशन करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।